अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है कंप्यूटर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। पढ़ाई घर में खुश आमदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर है क्या? बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे लिए डिफरेंट फंक्शंस करती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं जिस तरह हमारी एक ह्यूमन बॉडी है। हमारी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स कौन से हैं? आइज, नोज, ईयर्स, हैंड्स। हम अपने इन बॉडी पार्ट्स से डिफरेंट काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर के भी बहुत से पार्ट्स होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में सोचने, लिखने और देखने के लिए दिमाग, हाथ और आँख का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर के भी तीन अहम पार्ट्स होते हैं जो तकरीबन ऐसे ही काम करते हैं। नंबर वन, सोचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में सीपीयू, जबकि ह्यूमन बॉडी में हम दिमाग का यानी ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू, कीबोर्ड। कंप्यूटर में अगर हमें कोई चीज़ लिखनी हो तो उसके लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मॉनिटर, अगर हमें कंप्यूटर में कोई चीज़ देखनी हो कि आखिरकार वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, उसके लिए हमें मॉनिटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर के कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जो उसे और यूज़फुल बनाते हैं, जिस तरीके से माउस, प्रिंटर, यूएसबी ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, स्पीकर्स एक्सेट्रा। तो चलिए इन तमाम पार्ट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सीपीयू। सीपीयू शॉर्ट फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। ये कंप्यूटर का वो पार्ट है जो तमाम कैलकुलेशन करता है, इसी वजह से हम इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड बिल्कुल टाइपराइटर की तरह नज़र आता है और इसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड में बहुत से बटन होते हैं, उन बटन्स को हम कीज़ कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं उन्हें हम इन कीज़ को प्रेस करके देते हैं। जब भी आपको कोई की प्रेस करनी हो कीबोर्ड पे, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा मॉनिटर पे नज़र आता है। कीबोर्ड क्योंकि इस्तेमाल होता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इसीलिए हम उसे इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये बिल्कुल टीवी की तरह नज़र आता है। मॉनिटर की फ्रंट साइड को हम स्क्रीन कहते हैं। मॉनिटर हमें तमाम वो रिज़ल्ट दिखाता है जो कि कंप्यूटर में हो रहा होता है। अगर हम कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए कुछ टाइप करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आता है, इसीलिए हम मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। माउस, बिल्कुल कीबोर्ड की तरह माउस भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम माउस को भी इनपुट डिवाइस कहते हैं। माउस के पास कीबोर्ड की तरह कोई कीज़ नहीं होती टाइप करने के लिए। ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से देता है कि वो कोई चीज़ सेलेक्ट करता है मॉनिटर के ऊपर। माउस को हम हमेशा माउस पैड के ऊपर रखते हैं। माउस के अंदर एक बॉल होती है जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ लगी होती है। माउस का नाम माउस इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बिल्कुल माउस की तरह नज़र आता है। माउस के दो या तीन बटन्स होते हैं जो कि ऊपर की तरफ लगे होते हैं। जब आप माउस को मूव करते हो माउस पैड के ऊपर, तो वो बॉल भी नीचे की तरफ से रोटेट होती है और एक एरो लाइक पॉइंटर भी मूव होता है स्क्रीन के ऊपर। आप माउस को माउस पैड के ऊपर इस तरीके से मूव करते हो कि पॉइंटर्स आपकी स्क्रीन पर किसी भी आइटम को पॉइंट करती है। फिर उसके बाद आप उस आइटम को सेलेक्ट करते हैं माउस के बटन के थ्रू। प्रिंटर, प्रिंटर हम यूज़ करते हैं ताकि हम वो तमाम रिज़ल्ट जो कंप्यूटर पे बना हुआ है उसे हम सामने देख सकें। प्रिंटर से निकला हुआ रिज़ल्ट हम मॉनिटर पर भी देख सकते हैं।
मगर हम मॉनिटर को हर जगह अपने साथ नहीं रख सकते। अगर हमें अपनी कोई इम्पॉर्टेंट ड्राइंग, अगर हमें कोई इम्पॉर्टेंट पिक्चर या कोई इम्पॉर्टेंट वर्क अपने फ्रेंड्स या कुलीग्स को दिखाना हो, तो उसके लिए हमें किसी पेपर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम हर जगह मॉनिटर को लेकर नहीं जा सकते। इसीलिए प्रिंटर को हम यूज़ करते हैं, ताकि जो चीज़ या जो वर्क हमने कंप्यूटर पे बनाई है, हम उसका आउटपुट पेपर पे ले सकें। क्योंकि प्रिंटर तमाम आउटपुट पेपर पे दिखाता है, तो इसीलिए हम प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क को हम स्टोरेज कॉम्पैक्ट डिस्क को हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इंफॉर्मेशन जैसे नंबर्स, वर्ड्स और पिक्चर्स को स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हम कॉम्पैक्ट डिस्क को स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है एज़ कम्पेयर टू USB ड्राइव। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम कॉमनली जिस नेम से जानते हैं वो है CD, और ये CD हमेशा राउंड शेप की होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपने पढ़ना है और आगे पढ़ना है अपने लिए, अपने वालदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।